C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। क्या विवान अपने आप को मीरा से बचा पाएगा? सच जानने के बाद क्या करेगी मीरा? ये जानने के लिए कल देखिए कली रेन। विवान, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं जान ले लूंगी तेरी। तुलिका के बिछाए जाल से मीरा बचेगी या नहीं? क्या विवान उसकी मदद कर पाएगा? जानने के लिए कल देखिए कली रेन। क्या तुलिका अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या विवान और मीरा का साथ यहीं खत्म हो जाएगा? मीरा! मीरा! क्या मीरा अपने हाथों विवान को मार देगी? क्या विवान मीरा को तुलिका से बचा पाएगा? मैं एक आमंत्रित डायन हूँ, आज रात को तुम्हारी बलि चढ़ाऊंगी और फिर तुम और मीरा हमेशा के लिए अलग। आगे बढ़ो मीरा। आखिर तुलिका अब क्या नई चाल चलने वाली है? क्या मीरा अपने आप को बचा पाएगी? ये आपके तो कट गया। एक बार मेरा खून तेरे अंदर गया ना, उसके बाद देख मैं तेरा और विवान का क्या हाल करती हूँ। कल देखिए करवा चौथ के दिन तुलिका ने विवान को बनाया निशाना, अब मीरा कैसे विवान को बचाएगी? विवान, ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी करवा चौथ होगा। क्या विवान तुलिका की शादी रोक पाएगा या तुलिका फिर कोई नई चाल चलेगी? बस जीजू, मैं तुलिका के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। चल, तुझे इतना ही विश्वास है ना, तो एक आखिरी टेस्ट कर ले। नहीं तुलिका, अगर तुम इंसान तो तुम्हें मंदिर में जाके जोत जलानी होगी। क्या तुलिका का सच मीरा और विवान के सामने आ जाएगा या फिर तुलिका कोई और चाल चलेगी? अगले हफ्ते देखिए क्या होगा मीरा के साथ, कहीं तुलिका उसे कोई और नई मुसीबत में तो नहीं डालेगी? आखिर विवान क्या करेगा? कल देखिए क्या विवान को मीरा बचा पाएगी, कैसे मीरा सनी तक पहुंचेगी? कल देखिए क्या मीरा और विवान का साथ हमेशा हमेशा के लिए छूट गया, क्या मीरा विवान के बगैर जीवित रहेगी? इस मनुष्य का समय इस धरती से समाप्त हो गया है, इसलिए मैं इसे स्वयं लेने के लिए आया हूँ। कल देखिए आखिर ये बच्ची कौन है, क्या रिश्ता है इसका मीरा के साथ? कल देखिए मीरा ने माही की जान तो बचा ली, लेकिन क्या अपनी जान बचा पाएगी? माही, 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 प्लीज उठो। अगले हफ्ते देखिए कैसे तुलिका ने विवान को अपने वश में करने के लिए माही को अपना निशाना बनाया। तो उसके लिए मीरा को जीतना होगा, बस एक बार मीरा तुम्हारे वश में आ गई ना, तो समझ लो कि विवान तुम्हारे वश में ही है। मुझे समझ आ गया है माँ, इन्हें प्यार से कैसे मारना है। माही, 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 छोड़ो इसको,
क्या कर रही तुम गैस के पास? आपको पता गैस कितनी रिस्की होती है? लग जाती तो। सूप पीना था आपको तो? घर में इतने लोग हैं, मुझे बोल देते, किसी को भी बोल देते, खुद बनाने की क्या जरूरत थी? मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बना रही हूँ। मेरे लिए? क्यों? आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, सबसे लड़के मुझे घर पे रखा, और खासकर विवान अंकल से। और ये तो फटाफट वाला सूप है, बस पानी में डालो और रेडी स्टेडी गो। आ रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप? जी हाँ, हम यहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हैं। अरे कौन सी इन्वेस्टिगेशन? हाँ, अब क्या हो गया? आपके घर में एक बच्ची है, माही। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आपको कैसे पता माही हमारे साथ रह रही है? हमने तो कोई कंप्लेन भी नहीं की। आपको उसके मम्मी पापा के बारे में कुछ पता चला क्या? मैंने बुलाया इंस्पेक्टर साहब को। तुमने क्यों? मीरा देखो, हम इस बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते। ये किसकी है, कौन है, इसके माँ बाप कौन है? इनफैक्ट इसके माँ बाप भी तो कितने वरेड होंगे इसको लेके। तो इंस्पेक्टर साहब को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे बुलाया। थैंक यू मिस्टर विवान, आपने काफी अच्छा एफर्ट लिया। फिलहाल मुझे इस बच्ची को ले जाना पड़ेगा अपनी कस्टडी में, क्योंकि इनके पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। माही कहीं नहीं जाएगी। कल देखिए विवान का मेडिकल रिपोर्ट तुलिका और सनी देखने के बाद अब क्या नई चाल चलेंगे। माही विवान की बेटी है। मुझे शांतनु को कोलकाता छोड़कर जाने से रोकना होगा। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही? मुझे नहीं पता था ये अस्मिता की सच्चाई जान बैठा शांतनु, क्या छुपा पाएगा अपनी भावनाओं को, या फिर होगी किसी नए रिश्ते की शुरुआत? को सारी सच्चाई बतानी होगी। मैं आपको अभी यहाँ का एड्रेस भेज रही हूँ। अब मल्हार जी को अभी के अभी इधर लेके आइए। मल्हार को बता देती हूँ। तुम बार बोला माइक के मुझसे चलाकी मत करो, समझ में नहीं आ रहा है? इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपके तीनों बहुएं हैं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ ताव पर लगने से? हारी भी बाजी को जीत कर कैसे बचाएगी गुंडर अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? अब तुम्हें इस हाथ में से बीच वाली उंगली तुम निकालनी है। ये मैं सुपरमैन ने जीत गई। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना, फिर तुम किसी की नहीं हो सकती। तो तुम एक काम करो, जाओ और मर जाओ। मुझसे पूछे बिना मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किया? डॉक्टर प्रीता अरोरा ने कहा था। उसने रिपोर्ट्स देख ली है? देख ली। नेशनल शरिया बोर्ड की तरफ से 1 करोड़ रुपए का चेक आपको देने की मंजूरी दी। चेक 1 करोड़ का नहीं, 1.5 करोड़ का है। बाकी के 50 लाख जरा भी आपके प्रोजेक्ट के लिए अदा किए। हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी हमारे मदरसे में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए कुछ कर सके। अ
एंड वेलकम कानपुर वासियों, मैं हूं आपका चहेता आरजे राज। आज का हमारा शो बहुत ही खास है। आज अभी इसी वक्त पूरे शहर के सामने आई लव यू बोल दीजिए इसे। आज आपकी ये जो अनोखी प्रेम कहानी है ना, आज इसे पूरा कर दीजिए। साहिल अग्रवाल, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए साहिल। वो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं हो सकते। मम्मी गाड़ी रोको, मैं कह रहा